हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसमें सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस। यह सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किया है और इसका मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। आज जो मैं डाल रहा हूँ इसके इस टॉपिक पे वीडियो, वो है इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। ऐसे मैं इसकी कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी हम अपडेट वीडियो करेंगे वो देखते रहें। इससे पहले भी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ऐसे मैकेनिकल ड्राफ्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो। उसमें हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से। हम जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है मटेरियल साइंस की, इसके इसके नाम से पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाऊंगा, या मैं हमेशा जो भी नया वीडियो डालूंगा तो पुरानी वीडियो की मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर भी देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं सामने आपको लिख रहा है मटेरियल टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस, तो यहाँ पर हम जानते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, मटेरियल और साइंस। यहाँ पर मटेरियल का मतलब होता है, मटेरियल मीन्स होता है एवरीथिंग, मतलब जो भी सब कुछ है वो क्या है, मटेरियल है। ये मेरी बॉडी हो या जो आसपास हम चीजें यूज कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल है, एरोप्लेन है, या रोड है हमारे, या हमारा घर है, या जहां पर हम खड़े हुए हैं, या जो चीज हम पकड़े हुए हैं, सब क्या है, मटेरियल है। अब हम मटेरियल साइंस में क्या करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल हैं जो सॉलिड मटेरियल हैं, कैसे, वो लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेड मटेरियल होते हैं जो, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा साइंस होता है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है उसका यूज करके हम इस मटेरियल को हम क्या उपयोगी बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो हम यूज कर रहे हैं आज उनमें साइंस का यूज करके हम अपने दैनिक जीवन में या हमारे यूज के अनुसार उसको बनाया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं कि ऐसा साइंस जिसमें जो हमारे प्रेजेंट में मटेरियल है या कुछ मटेरियल की खोज करके या जो प्रेजेंट मटेरियल है उनको मिक्स करके, जैसे कंपोजिट मटेरियल होते हैं, हम क्या करते हैं, जो मटेरियल को हम की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स में या कह सकते हैं अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग उनका निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। और जो पूरा सब्जेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल साइंस। अब जो मटेरियल साइंस है या मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनका मैं यूज कर रहा हूं, तो उसका मैं क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं। यहां पर आप डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई। एक्चुअली क्या है, मटेरियल साइंस की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग राइटर ने अलग अलग बुक में अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से रिटन की है, लिखी हुई है। तो हमने भी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में थोड़ा सा अलग अलग टाइप से डेफिनेशन लिख दिए, और दोनों ही करेक्ट हैं, आप दोनों ही नोट कर सकते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। जैसा कि क्लासिफिकेशन मतलब होता है मटेरियल का कितने टाइप्स के होते हैं, तो जैसे मटेरियल होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सेरेमिक्स होते हैं और कंपोजिट होते हैं। अलग अलग टाइप के मटेरियल जैसे मेटल, नॉन मेटल, सेरेमिक और कंपोजिट, इधर हिंदी में भी लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। मेटल्स जो रहते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। अब नॉन मेटल्स होते हैं जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स और इलास्टोमर्स। सेरेमिक्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सेरेमिक्स होते हैं। इस तरह कंपोजिट होते हैं, मेटल मैट्रिक्स है, सेरेमिक मैट्रिक्स है और पॉलीमर मैट्रिक्स है। अब इस तरह आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक डेफिनेशन लिख के इस तरह आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि और मैं इसको क्या होता है, दो या चार नंबर का क्वेश्चन है, दो या तीन नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और इस तरह एक चार्ट बना के आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन छह नंबर तक का क्वेश्चन है तो आपको जो भी यहाँ क्लासिफिकेशन लिखा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे स्लाइड में इनको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे हम जानते हैं, हमने बताया पहला क्या होता है, मेटल्स। मेटल्स हैं जैसे क्या, जो हमारे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लीड, इस टाइप के जो मटेरियल उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब मेटल्स टू टाइप्स का होता है, एक फेरस मेटल्स और नॉन फेरस। फेरस मेटल्स होते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसमें आयरन की मात्रा उपलब्ध होती है, क्या होती है, आयरन की मात्रा उपलब्ध होती है, जैसे कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील है, कुछ अलॉयज होते हैं। अलॉय मीन्स होता है कोई भी दो या दो से अधिक मटेरियल मिक्स करके कोई मटेरियल बनाया जाता है, तो इसलिए जैसे ये सिलिकॉन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, स्प्रिंग स्टील, इस तरह बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो फेरस मेटल्स होते हैं। नॉन फेरस मेटल मीन्स होता है जिसमें आयरन की मात्रा उपलब्ध ना हो, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लीड है। एलाउमीन्स होता है, जैसे मैंने बताया, दो या दो से अधिक मटेरियल मिलकर बनाए जाते हैं, तो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ड्यूटेरियम है, इस तरह के कुछ मटेरियल चलते हैं।
अब क्या होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन मेटालिक मटेरियल। नॉन मेटालिक मटेरियल होता है जैसे जो लेदर है, रबर है, प्लास्टिक से, एस्बेस्टस है, कार्बन, इस तरह के मटेरियल का बहुत यूज होने लगा है। ये सब नॉन मेटालिक मटेरियल में आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स का जो है सेरेमिक कंपोजिट, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड इज सेरेमिक। तो सेरेमिक को एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे जी बहुत सारे मटेरियल लिखे हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, टाइटेनियम फ्लोराइड है, सिलिका है, सोडा लाइम है, ग्लास है, कंक्रीट है, सीमेंट है। इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो किसमें, सेरेमिक ग्रुप में आते हैं। जैसे अब क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जैसे प्लास्टिक है, फाइबर है, रबर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर में भी आते हैं। अब कंपोजिट मटेरियल्स क्या होता है, दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक पूरा नाम देते हैं मटेरियल को। वैसे रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, ये क्या हम जाते हैं, जो छत वगैरह डालते हैं, आप देखते हैं उसमें क्या होता है, जो हम सरिया डालते हैं, जो हमारी क्या कंक्रीट रहती है, ये सब मिक्स करके हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, उससे क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे कंपोजिट मटेरियल जैसे प्लाईवुड होती है, जो हमारे गेट वगैरह बनते हैं, और ऐसी प्लास्टिक होती है, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर्स होते हैं, फाइबर ग्लास होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कुछ मटेरियल को मिक्स करके हम क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और उनका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ, ये हमारा जो भी हमारा आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि मटेरियल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड जैसा सामने आपको लिखा है उसको आप नोट कर लें, उसको याद कर लें, नोट्स बना लें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा ऐसे ऐसे 1 बाय 1 इसका सिलेबस कराऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें।